अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी धनिया वाली भिंडी, जो कि बहुत ज़्यादा लजीज बनती है। हमारे घर ज़्यादातर यही बनाई जाती है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें, उससे मेरी नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकेंगे। ये मैंने आधा किलो भिंडी ली, जिसे मैंने लंबाई की शेप में काट लिया। अगर भिंडी ज़्यादा लंबी हो तो उसे दरमियान में से कट लगा लें और उसको भी इसी तरीके से लंबाई में काट लें। ये 3 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन है, ये 4 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च आपके टेस्ट के मुताबिक, नमक आपके टेस्ट के मुताबिक। ये 2 टमाटर लिए हैं मैंने, आप चाहें तो 3 ले लें। ये 1 बड़ा आलू लिया है और अगर आप चाहें तो 1 पाव भिंडी और 1 पाव आलू लेकर भी बना सकते हैं, यानी कि बराबर की मकदार में लेकर। अगर अगर आप चाहें तो भिंडी के साथ गोश्त भी ले सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं वो रेसिपी भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। ये 1 बड़ा प्याज लिया है मैंने, जिसे मैंने लंबाई की शेप में काट लिया है, और हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक लेंगे, इसे भी मैंने 2-2 कट लगा लिए हैं। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। इसमें मैंने नमक नहीं डाला, हमने इसे वैसे ही तल लेना है बगैर नमक के। अगर आप नमक डालेंगे तो इसमें लेस बन जाएगी। हमने इसे इतना तलना है कि ये अच्छे से कुक हो जाए, बिल्कुल पक जाए, क्योंकि इसे हमने दोबारा नहीं पकाना। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। जिस तरीके से चिप्स तलते हैं इस तरीके से आपने इनको तलना है। गैस की फ्लेम आपने कम नहीं रखनी। ये देखिए भिंडी अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है, इसे मैंने अच्छे से तल लिया है, ये फ्राई किया है। ये देखिए करीब करें ज़रा। अब मैं इसे किसी प्लेट में निकाल लूँगी, गैस की फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ। मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है, इसके नीचे मैंने टिश्यू पेपर वगैरह नहीं रखा, बस मैंने इसे ऐसे ही प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं उसी कढ़ाई में आलू फ्राई करूँगी, गैस की फ्लेम मैं फिर ऑन कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। आलू भी मैंने लंबाई के शेप में काट लिए थे और आलूओं को भी मैं चिप्स की तरह तल लूँगी। आलूओं को भी मैंने फुल फ्राई करना है, कच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब इसने दोबारा नहीं पकना। और ये जो इसमें आपको छोटे छोटे बीज नज़र आ रहे हैं, ये धनिया नहीं है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, ये सिर्फ ऑयल है और ये धनिया के बीज नहीं है। ये भिंडी में जो बीज होते हैं ये वो हैं, तो आपने धनिया पहले नहीं डालना। आलू भी फ्राई हो चुके हैं, उन्हें भी मैं इसी प्लेट में निकाल लूँगी। अब इसी कढ़ाई में हम ऐड कर देंगे ये प्याज, इसे भी हम हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। प्याज भी लाइट गोल्डन हो गया है, अब मैं इसे भी उसी प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए ये तीनों चीज़ें मैंने तलकर ले ली हैं, आलू भिंडी और प्याज। अब उसी कढ़ाई में हम ऐड करेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं, अदरक लहसुन मैंने कूट कर लिया है, इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये तकरीबन इसे 1 मिनट मैंने फ्राई किया। अब इसमें ऐड करूंगी मैं ये कुटा हुआ धनिया। इसे भी तकरीबन मैं 1 मिनट दूंगी। अब इसमें ऐड करूंगी मैं ये कुटी हुई लाल मिर्च। उसके साथ ही इसमें ऐड करूंगी नमक हसबे ज़रूरत।
इसे हम आपस में मिक्स कर लेंगे। ऑयल इस जगह अगर आपको कम लग रहा है तो आप ले लें, वरना ये जो इसमें ऑयल है ये बहुत है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी फ्राई हो चुकी हैं। एक मिनट हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। इनको मैं एक मिनट ढक्कन लगा कर हल्का सा नरम कर लूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ टी स्पून हल्दी का, ताकि थोड़ा सा कलरफुल हो जाए। इसे मिक्स करूँगी, टमाटर अभी नरम नहीं हुए। हल्दी आप जिस टाइम मैंने धनिया और कुटी हुई मिर्च डाली थी आप उस टाइम हल्दी डाल लें, मैं हल्दी भूल गई थी। ये देखिए टमाटर नरम हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे यही सब कुछ तला हुआ जो हमने तल लिया था। हम इसे आपस में मिक्स कर लेंगे। हमने इसे आपस में मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डालूंगी। हरी मिर्चों का बस एक मिनट का दम दूंगी, ताकि इनका कलर ग्रीन ही रहे और ये भिंडी में पता चले कि इसमें हरी मिर्चें मिक्स ना हो, क्योंकि जब छोटे बच्चे खाते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। एक मिनट गुजर चुका है, गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। हरी मिर्चों ने अपनी खुशबू छोड़ दी है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा सालन बना है ना नई रेसिपी। इसे एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त बनती है भिंडी। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। रेसिपी पसंद आए तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।